पहला सवाल देखते हैं कि 22 अप्रैल 2020 को सोशल मीडिया क्षेत्र की अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्री समूह की जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितनी हिस्सेदारी खरीदने हेतु करार किए जाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर जो है 9.99% की हिस्सेदारी जो है वो फेसबुक जो है वो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में जो है अपनी हिस्सेदारी करेगी, और ये 9.99% की जो हिस्सेदारी होगी वो होगी 43,574 करोड़ रुपए की। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जियो और क्या कहते हैं फेसबुक ने आपस में जो है क्या कहते हैं एक दूसरे का सहयोग करके शेयर खरीद करके जो है एक दूसरे का सहयोग करती हैं। जब भी कोई कंपनी जो है आपस में अगर सहयोग करती हैं तो वो क्या करेगी, वो डिजिटल इंडिया का जो भारत सरकार का लक्ष्य है इसको जो है हासिल करेंगे, एक प्रकार से इसको जो है वो बढ़ावा देंगी। और अगला देखते हैं कि 18 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए मौजूदा एफडीआई नीति में संशोधन किया है, इसके तहत कौन कौन से देशों के निकाय भारत सरकार की मंजूरी के बिना निवेश नहीं कर सकेंगे। तो आपको बता दें कि जब कोई क्या कहते हैं देश किसी देश में या क्या कहते हैं कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी में निवेश करना चाहती है तो हम वहाँ के जो है कंपनी क्या करती है कि वहाँ के जो है शेयर खरीदती है उस कंपनी के। तो अभी हाल ही में जो है क्या कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ पीपुल्स चाइना ने जो है क्या कहते हैं भारत की जो HDFC बैंक है वहाँ की जो है वो शेयर्स खरीदे थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय बैंक पीपुल्स ऑफ चाइना ने भारत की निजी क्षेत्र की प्रमुख बैंक HDFC लिमिटेड के 1.75 करोड़ शेयर खरीदे थे, और जिस जो शेयर की हिस्सेदारी जो कितनी थी वो 1.01% थी, जैसा कि BSE ने बताया था। तो इस तरह की जो कंपनियों का रुख है वो क्या कहते हैं अवसरवादी रुख है, तो इसको रोकने के लिए जो है क्या कहा गया, इसको रोकने के लिए सरकार ने जो है अपनी FDI नीति में संशोधन किया और उसमें ये बताया कि भारत के साथ जो भी सीमा साझा करने वाले देश हैं वो क्या है कि बिना सरकार की मंजूरी के अब किसी भी प्रकार की जो है वो निवेश नहीं कर पाएंगे, और पहले जो है निवेश करने के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती थी। तो यानी कि अब जो संशोधन हुआ है उसमें ये बताया गया है इस संशोधन में कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के निकाय भारत सरकार की अनुमति के बिना निवेश नहीं कर सकेंगे। तो सवाल ये भी बन सकता है कि हाल ही में FDI नीति में जो संशोधन हुआ है तो उसको स्टेटमेंट बना करके नीचे दे देंगे और सही या गलत उसमें जो है वो छांटने के लिए बोल देंगे या पहचान करने के लिए बोल सकते हैं। और इसी के साथ भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश देख लेते हैं, वो चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है और अफगानिस्तान है। यानी कि ये जितने भी देश हैं वो भारत के साथ में सीमा साझा करते हैं और वो नई FDI नीति के मुताबिक जो है किसी भी कंपनी के साथ जो है वो अवसरवादी रुख नहीं अपना सकेंगी कंपनियां इन देशों के साथ मिल करके। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा जो है FDI में संशोधन करने वाला भारत पहला देश नहीं है, इससे पहले चूंकि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली जो है इस प्रकार के संशोधन कर चुके हैं। और अगली न्यूज़ जो है RBI की घोषणाओं को लेकर के है, देखते हैं कि 17 अप्रैल 2020 को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कोविड-19 की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए प्रमुख घोषणाएं की हैं। इसके तहत उन्होंने रिवर्स रेपो रेट में कितने आधार अंकों की कटौती की घोषणा की है। तो यहाँ पर नोटिस करिएगा, यहाँ पर पूछा है कि रिवर्स रेपो रेट में कितने आधार अंकों की कटौती की घोषणा की है, तो कटौती की घोषणा जो है वो कितनी हुई है 0.25 जो है कटौती की घोषणा यहाँ पर जो है क्या कहते हैं शक्तिकांत दास के द्वारा की गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यह जो है 4.40 पर स्थिर है। रिवर्स रेपो रेट में जो है 0.25 आधार अंकों की कमी करके कटौती करके जो कि पहले जो है वो 4.0% से कहता था और उसमें कटौती कर दिया गया है कितने की 0.25 की, तो ये अब हो गया है जाकर के 3.75% 3.75 जो है वो फीसदी हो गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, तो रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से RBI में जमा धन पर ब्याज मिलता है। यह बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। यानी कि रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जो RBI होती है वो बैंकों को, जो कमर्शियल बैंक होते हैं उन बैंकों को क्या करती है, ब्याज देती है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है, जो तरलता होती है, जो पैसे का जो है क्या कहते हैं मार्केट में सप्लाई होती है वो रुक जाती है, क्योंकि ऐसे में बैंकों के पास जो भी पैसा होता है वो क्या कर देते हैं RBI के पास रख करके उनसे ब्याज लेना चाहते हैं, तो ऐसे में जो है बाजार में जो है मनी सप्लाई कम हो जाती है। और RBI ने 3 लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन की शुरुआत की है। देखिए नई चीज़ है, महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है कि शुरुआत की है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहा गया है TLTRO 2.0।
और 50,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है यहाँ पर, और आवश्यकता पड़ने पर जो है इसे 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि 3 लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन की शुरुआत कितने रुपए से की है, तो 50,000 करोड़ रुपए से हाल ही में RBI ने की है। RBI ने TLRTO 2.0 के तहत MFI और NBFC को 50,000 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है। यानी कि इसके तहत क्या होगा, जो हमारे यहाँ NBFCs होती हैं उनको जो है वित्त मुहैया करवाया जाएगा। और इसमें देखिए शामिल क्या क्या है, इसमें नाबार्ड भी है, SIDBI है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, जिनके लिए अलग अलग जो है वो बताया गया है। जैसे नाबार्ड के लिए जो है वो 25,000 करोड़ रुपए है, और क्या कहते हैं SIDBI के लिए 15,000 करोड़ रुपए है, नेशनल हाउसिंग बैंक को जो है 10,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, और बैंकों द्वारा मौजूदा ऋणों की वापसी पर लगाई गई रोक पर 90 दिन का NPA नियम लागू नहीं होगा। यानी कि जो RBI 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन इन संस्थाओं को करेगी, SIDBI को, नाबार्ड को, नेशनल हाउसिंग बैंक को, इन पर जो NPA का 90 दिन वाला नियम है वो नियम लागू नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टेट PSC वगैरह में या UPSC में स्टेटमेंट दे देते हैं और सही गलत वहाँ पर जो है वो कूट दे रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर देते हैं ए, तो ए में जो है 1, 2, 3 ऐसे करके दे देते हैं, तो वो विकल्प पहचानना रहता है। तो इसलिए स्टेटमेंट को सही से ध्यान से पढ़िएगा, मैंने हाईलाइट भी करके रखा है ताकि आपका जो है ध्यान वहाँ पर जाए, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद में अगली न्यूज़ जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को लेकर के है। यहाँ पर जो है कभी कभी सवाल यही पूछ लेते हैं कि अमुक रिपोर्ट जो है कौन सी संस्था जारी करती है, तो सबसे पहले यहाँ पर यही देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, जिसको हम IMF बोलते हैं, IMF जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। और आपको बता दें कि IMF में जो है क्या कहते हैं, एक बार MPPSC प्रीलिम्स में जो है वो IMF में सदस्यों की संख्या पूछा गया था, तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि IMF में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखते हैं सवाल, देखते हैं क्या है कि 14 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि अप्रैल 2020 में जारी हुई है, इसके अनुसार वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है। यानी कि पहले सवाल देखते हैं क्या है, सवाल क्या है, कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो 14 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी किया है, और इसने पूछा है कि क्या कहते हैं कि 2020 में जो भारत की वृद्धि दर है वो कितनी रहेगी। तो भारत की वृद्धि दर जो है वो 1.9% रहेगी, क्या कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार। और आप एक थोड़ा सा जो है सिंपल वे में समझें कि जैसे इस समय COVID-19 की समस्या चल रही है, तो लगभग जितनी जो है विकास दर होगी वो गिरावट में ही होगी, क्या कहते हैं इसमें वृद्धि नहीं होगी। तो अगर मान लीजिए UPSC या स्टेट PSC में इस तरीके से सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि वृद्धि होगी कि गिरावट होगी, तो वहाँ पर ध्यान रखेंगे कि COVID-19 है, वैसे भी इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा जो है वो सुस्त है, तो गिरावट ही उसमें होगी। और चलिए आगे देखते हैं कि इसके अनुसार 2020 में वैश्विक विकास दर, देखिए अभी मैं कह रहा था कि जितनी भी वृद्धि दर होगी वो माइनस में होगी, वैश्विक वृद्धि दर जो होगी वो -3.0% आकलित की गई है, और जिसके वर्ष 2021 में 5.8% रहने का अनुमान है। यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर COVID-19 का बहुत बुरा प्रभाव है, और जो कि लगभग 2021 में COVID-19 का जो है वो संक्रमण है वो काफ़ी हद तक कम होने के आसार हैं, तो वहाँ पर जो है जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो क्या कहते हैं वैश्विक विकास दर भी बढ़ेगी। यानी कि वैश्विक विकास दर 2021 में कितने प्रतिशत होने की उम्मीद है, तो 5.8% होने की उम्मीद है, और वहीं पर 2020 में क्या कहते हैं -3.0% जो है आकलित की गई है, उसका अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि दर 1.9 जो है प्रतिशत आकलित की गई है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आकलित किया गया है, अनुमान लगाया गया है, और जिसके 2021 में जो है वो 7.4% रहने का अनुमान है। यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जिसको IMF जारी करता है उसके अनुसार जो है भारत की जो वृद्धि दर होगी 2021 में वो 7.4% होगी, जो कि 7.4% ज़्यादा है, क्या कहते हैं कि 5.8 से, जो कि 2021 का क्या कहते हैं वैश्विक वृद्धि दर है। यानी कि भारत की जो वृद्धि दर होगी, जो क्या कहते हैं विकास की वृद्धि दर होगी, वो वैश्विक विकास वृद्धि दर से काफ़ी ज़्यादा होगी। चलिए अब अगला देखते हैं कि ब्रिक्स देशों में क्या कंडीशन है। ब्रिक्स देशों में 2020 में सर्वाधिक विकास दर भारत की ही है, 1.9% रहने का अनुमान है, और इसके बाद में चीन क्या कहते हैं 1.2%, तो चीन जो है वो 1.2%, ब्राज़ील जो है वो क्या कहते हैं -5.3%, यानी कि रूस का भी माइनस में है, दक्षिण अफ्रीका का भी माइनस में है, चीन का जो है वो माइनस में नहीं है। उसके बाद में अमेरिका की वृद्धि दर देख लेते हैं, जो कि महाशक्ति है, और रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की जो है विकास दर 2020 में देखिए भारत से कम माइनस में जा रही है,
जिसके अनुसार 2021 में 4.7% रहने का अनुमान है, यानी कि 2021 में अमेरिका की क्या कहते हैं विकास दर भारत से पीछे होगी। यूरो क्षेत्र की बात करते हैं तो जो 2020 में -7.5% आकलित की गई है, जो कि 2021 में 7.4% रहने का अनुमान है, और कम आय वाले विकासशील देशों की विकास दर 2020 में 0.4% आकलित की गई है, जो कि 2021 में 5.6% रहने का उम्मीद है। हालांकि इसमें डेटा मैंने काफ़ी ज़्यादा बताया है, वो आपकी समझ के लिए बताया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी जरूर जानने की ज़रूरत है कि वैश्विक वृद्धि दर कितनी होगी। 2020 में -3.0%, 21 में जो है बढ़ेगी 5.8% होगी, और भारत की वैश्विक वृद्धि दर कितनी है, भारत की जो है वृद्धि दर कितनी है 2020 में 1.9% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि 21 में कितना होगा तो ये 7.4%। देखते हैं कि 21 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने कितने माह के लिए बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। तो ये जो है वो 6 माह के लिए केंद्र सरकार ने जो है वो बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है, और ऐसा जो है किस कानून के तहत किया है, ऐसा औद्योगिक विवाद कानून के तहत किया है। देख सकते हैं कि 21 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है। दरअसल आपको बता दें कि जन उपयोगी सेवा घोषित करने के पीछे कारण ये है कि जो हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर में हड़ताल हुआ करता था, तो वहाँ के कर्मचारी जो होते थे और वहाँ के जो अधिकारी होते थे वो क्या होते थे कि हड़ताल पर चले जाया करते थे, तो बैंकिंग सेवा काफ़ी समय तक जो है वो बंद रहती थी। तो ऐसा सरकार ने जो है यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से जो है किया, और ऐसा किस करने के लिए जो एक प्रावधान था कि उसको जो है बैंकिंग उद्योग को औद्योगिक विवाद कानून के तहत लाया गया, और यहाँ पर देख सकते हैं कि औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को लाने से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से प्रतिबंध लगाता है। यानी कि क्या होगा कि अब जो है बैंकिंग क्षेत्र के जो कर्मचारी होंगे और अधिकारी होंगे दोनों, ठीक है, 21 अवधि तक किसी भी तरह का हड़ताल नहीं कर सकेंगे। और अगला देखते हैं कि 24 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी द्वारा BMM इस्पात लिमिटेड में बहुसंख्य शेयरधारिता के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित संयोजना को मंजूरी प्रदान की है। तो उस कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है JSW प्रोजेक्ट लिमिटेड। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है वो क्या है कि जो BMM इस्पात लिमिटेड कंपनी है, इसकी जो है वो क्या कहते हैं जो शेयर धारिता जो है उसके शेयर को जो है वो अधिग्रहण करेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो JSW प्रोजेक्ट लिमिटेड है वो कंपनी क्या है। तो ये दरअसल जो है भारत में एक पंजीकृत कंपनी है, और यह कंपनी करती क्या है, यह कंपनी लौह अयस्क और पिलेट स्पंज आयरन TMT बार और स्टील उत्पादों के निर्माण और बिक्री का व्यवसाय करती है। JPL JSW समूह का हिस्सा है, जो क्या कहते हैं वही चीज़ नीचे कोक और ड्राई क्वेचिंग कैप्टिव बिजली उत्पादन के व्यवसाय में जो है वो संलग्न है। अप्रैल 2020 में किस IT क्षेत्र की प्रमुख भारतीय कंपनी इजराइल की पहली पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी, तो कंपनी का नाम TCS है, जो कि 2021 में जो है वो लॉन्च करने की योजना है। और अगली न्यूज़ जो है वो क्या कहते हैं उत्पादन को लेकर के है, उत्पादन के आंकड़ों को लेकर के है। तो देखते हैं क्या है कि अप्रैल 2020 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में 2020-21 में रिकॉर्ड कितने करोड़ टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि क्या पूछ रहे हैं कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है वो प्रत्येक वर्ष हमारे भारत में हिंदुस्तान में अनाज के उत्पादन को लेकर के जो है एक लक्ष्य निर्धारित करता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 20 और 21 में जो है अनाज उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है, तो 29 करोड़ 83 लाख टन रखा गया है। कितना रखा गया है, 29 करोड़ 83 लाख टन जो है अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और ये क्या कहते हैं 29 करोड़ 83 लाख में जो है गेहूं भी शामिल है, और प्लस जो है वो क्या कहते हैं कि गेहूं ना कहें हम, रबी सीज़न की फसल कह सकते हैं कि रबी सीज़न की फसलें शामिल हैं, और प्लस जो है वो क्या है खरीफ सीज़न की भी फसल शामिल है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रैल 2020 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सामान्य मानसून की उम्मीद के मद्देनज़र देश में 2020-21 में 29 करोड़ 83 लाख टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान अनाज उत्पादन में 63,50,000 टन वृद्धि का अनुमान है। यानी कि 2020-21 में जो वृद्धि होगी अनाज उत्पादन में वो कितनी होगी, वो होने वाली है 63,50,000 टन। मंत्रालय ने खरीफ फसल में 14 करोड़ 99 लाख टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा है, वहीं क्या कहते हैं कि रबी फसल के दौरान 14 करोड़ 84 लाख टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो आप यहां पाएंगे कि रबी फसल का जो खरीफ फसल का जो डेटा है 14 करोड़ 99 लाख टन,
और रबी फसल का जो डेटा है 14 करोड़ 84 लाख टन, दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो 29 करोड़ 83 लाख टन अनाज उत्पादन का जो रिकॉर्ड का मंत्रालय के द्वारा रखा गया है वो आपका निकल आएगा। और यहीं पर देख लेते हैं कि 2020-21 में 11 करोड़ 75 लाख टन धान उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और गेहूं उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 10 करोड़ 65 लाख टन रखा गया है। तो यहां पर आप पूरा डेटा देखेंगे कि धान का अलग है, गेहूं का अलग है, प्लस जो है क्या कहते हैं रबी सीजन का जो है अलग डेटा है, खरीफ का अलग है, और रबी और खरीफ दोनों को मिला करके जो है वो 29 करोड़ 83 लाख टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2020-21 के लिए रखा गया है। और क्या कहते हैं किसके द्वारा ये डेटा जारी किया गया है, तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा।